मैंने तो लगा रखी है, मेरे कैमरामैन ने नहीं लगा रखी है, तो ये सीट बेल्ट का अलार्म है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वेयर द सीट बेल्ट। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली सब बहुत ही अच्छे हो गए, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं GLE 300D का। तो वीडियो को पूरा देखें और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बताना चाहूंगा, GLE में तीन मॉडल आते हैं। पहला पेट्रोल आता है जिसको हम 450 कहते हैं, और 450 का जो एक्चुअल रूम है वो आपको 99 लाख रुपीस कॉस्ट करता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी डीजल ऑप्शन की, तो डीजल में भी दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। एक GLE 300D आता है, एक आता है आपका 400D। 300D आपको 84,24,000 कॉस्ट करता है एक्चुअल रूम। एंड देन जो 400D आता है, इसका अपग्रेड वर्जन होता है, उसमें GLS इंजन होता है, 3 लीटर इंजन होता है, उसमें आपको एक्चुअल रूम कॉस्ट पड़ जाती है 1,03,00,000 रुपये। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस वेरिएंट्स की। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, GLE 53 AMG कूपे एंड 63 AMG कूपे। 53 AMG कूपे आपका एक्चुअल रूम 1,56,00,000 रुपीस कॉस्ट करता है, और अगर हम 63 AMG कूपे जाते हैं तो वो आपको एक्चुअल रूम 2,10,00,000 कॉस्ट करता है। सो अब फ्रेंड्स, आपको इसके इंजन के बारे में बताता हूँ, स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। 2 लीटर का इंजन इसमें यूज़ किया है मर्सिडीज़ ने, जो कि काफ़ी फास्ट है डीजल होने के बाद भी। 2 लीटर इंजन है, 245 BHP पावर है, एंड देन द बेस्ट पार्ट की 0 to 100 इतनी हैवी होने के बाद भी 7.2 सेकंड ओनली। सो है ना ग्रेट न्यूज़, सिर्फ आप बिलीव नहीं करोगे 500 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ही है। एंड 9G ट्रॉनिक यूज़ किया है, जिससे आपकी गियर शिफ्टिंग और फास्ट हो जाती है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि लोकल में अगर कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो 14th का एवरेज मिलता है आपको, एंड हाईवेज पे आपको 18+ देती है। यार गाड़ी तो बड़ी दे दी, प्राइस में भी दे दी, लेकिन चेक करते हैं क्या हम 4-5 लोग गाड़ी में बैठ करके अपना लगेज ले जा पाएंगे कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भी चेक करना चाहता हूँ, आप भी एक्साइटेड होंगे। सो कार को हमने ओपन किया बूट, ओ वाओ फाइनली। चलो कुछ तो अच्छी चीज़ है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप देख सकते हो मैं भी बैठ सकता हूँ और ट्रैवल कर सकता हूँ और आराम से लेट के भी जा सकता हूँ। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। इसका मतलब अगर हम फुल साइज बूट लाइक बैगेज की बात करते हैं, तो 2 full baggage एंड देन 2 short baggage आ जाएंगे, सफिशेंट है। सो इसकी स्पेस की बात करूंगा, 580 लीटर का बूट स्पेस है। सो आपको बताना चाहूंगा, 19 इंच का अलॉय है विद 10 लाइट स्पोक अलॉय व्हील्स। मल्टी स्टेयरिंग है ये। सो मल्टी कंट्रोल स्टेयरिंग का बेनिफिट ये होता है कि हम सारे कंट्रोल्स यहाँ पे ही आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। होम की आपका यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया, आप देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन नहीं है, ये इतना पोर्शन टच स्क्रीन है। अगर हम मिला के बताते हैं, 12.3 इंचेस है इसका साइज, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें। स्टाइल डिस्प्ले, सर्विस देख सकते हैं, मीडिया, रेडियो, ट्रिप मीटर, नेविगेशन, टेलीफोन असिस्टेंस। सो और बाकी ये टच स्क्रीन आपका आ जाता है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, सेटिंग्स आ जाता है, मर्सिडीज़ मी ऐप आ जाता है, इन्फॉर्मेशन, कंफर्ट्स में जाकर के आप एम्बियंस चेंज कर सकते हैं, कैनाइटिक्स ऑन कर सकते हैं जो सीट्स का पोस्चर चेंज कर सकती है, मीडिया, रेडियो एंड द नेविगेशन, फ़ोन कंट्रोल्स। यहाँ से भी आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ऑपरेट कर सकते हैं स्क्रीन को। सो कार को स्टार्ट कर लेते हैं, इग्निशन को, कार स्टार्ट हो गई हमारी। अब यहाँ पे ड्राइव मूड्स बता देता हूँ, GLE में आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे। कम्फर्ट मूड आ जाता है, कंफर्ट मूड क्या करता है, बेसिकली आपकी कार बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, सस्पेंशन आपको जर्क पता नहीं चलते हैं। इको मूड में आपका एवरेज अच्छा हो जाता है, ऑफ रोड पर आप ऑफ रोड यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली फीचर्स, ये ऑटो पार्किंग आपको इसमें मिल जाता है, ये आप शॉर्टकट सेट कर सकते हैं जो भी आप जाना चाहते हैं, ये आपका हैजल लैम्प या पार्किंग कह सकते हैं इसको, नेविगेशन पे शॉर्टकट पे जा सकते हैं, रेडियो मीडिया है, टेलीफोन है, एंड देन ये आपका वॉल्यूम बटन है, ये आपका ओपनिंग है यहाँ पे, यहाँ पे आप वायरलेस फ़ोन चार्जिंग ऑप्शन दे देते हैं आप। सो मैं आपको वायरलेस चार्जिंग दिखाता हूँ, फ़ोन को मैंने यहाँ पे रख दिया है, चार्जिंग स्टार्ट नाउ। ये आपके कप होल्डर्स आ जाते हैं, आप इसे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें GLE में एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि फ़ोन आप चार्जिंग जितने भी आप देखोगे तो फ्लैट होते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा है कि आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी नज़रें पड़ती रहती हैं कि आपके पास क्या है, और बाकी स्क्रीन पर भी पॉपअप आता रहेगा। इस कार में 4G सिम इनबिल्ट है,
जिससे कि आप कार आप ट्रैक कर सकते हो, जो भी लाइक ओनर होगा उसके पास, आप कार का ओनर, उसके पास एक एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन पे आप क्या करोगे कि आप कार को ट्रैक कर सकते हो, एम्बियंस कलर चेंज कर सकते हो, एक सर्कल सेट कर सकते हो, उस सर्कल के बाहर अगर जाती है तो आपको पता चल जाएगा। एंड सेफ्टी फीचर ये मर्सिडीज सिम क्या करता है वो आपको एक दिखाता हूँ। ये बटन मैंने प्रेस किया, SOS बटन लग गया। ये तो भी मैंने मैनुअली किया हुआ है, लेकिन अगर कोई कॉलिज्म या कोई इम्पैक्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेस हो जाएगा, आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होंगे तो भी कोऑर्डिनेट कम से कम 5 बार ट्राई करेंगे, नहीं तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर या एक्चुअली आई एम कॉलिंग फ्रॉम शोरूम, देर इज़ नो एनी एमरजेंसी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट सर्विस यू गाइज आर प्रोवाइडिंग। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि आप कनेक्टेड रहते हो और आपको बेनिफिट मिलता है। सो बहुत ही प्यारी कार है ये, और आपको बताना चाहूँगा इस कार में एक फ्रीज़र भी आता है, आप इसको स्पेस भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। फ्रीज़र जैसे लाइक आप बॉटल्स या कुछ कैंस वगैरह आप रखना चाहें रख सकते हैं। वुडन फिनिश आ जाता है ट्रिम स्टाइल में, तो वो बहुत ही कार को और अल्ट्रा लग्जरी बनाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसका सनरूफ साइज वाइट अमेजिंग, कैन चेक इट्स अ पैनोरामिक सनरूफ। ये इंडिया की सबसे पहली लॉन्ग व्हील बेस कार है, एंड जिस प्राइस में है, इस प्राइस में इसका कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं BMW में तो X5 से होता है, और ऑडी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइस वाइज तो Q7 से होता है, बट वो 7 सीटर है, ये 5 सीटर है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहला फीचर कार का, क्योंकि अगर आप मर्सिडीज़ में बैठते हैं, आप बहुत सारी ऑटोमेटिक कार चलाते होंगे, जो मर्सिडीज़ की ऑटोमेटिक होती है टोटली डिफरेंट देन अनदर ऑटोमेटिक कार्स, क्योंकि आपको मोस्टली जगह गियर लीवर यहाँ मिलेगा। आप सब लोग को लग भी रहा होगा ये गियर लीवर है, बट नहीं, ये सिर्फ आपका हैंड रेस्ट के लिए, अगर आप यहाँ पर जेस्चर कंट्रोल यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज मर्सिडीज़ का गियर आपको यहाँ पर मिलेगा, आप देख सकते हो रिवर्स न्यूट्रल ड्राइविंग एंड देन दिस इज़ पार्किंग, यहाँ पर भी ऑप्शन दिख रहा होगा ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स पार्किंग। तो ये चीज़ है मर्सिडीज़ की, अगर आप फर्स्ट टाइम मर्सिडीज़ ड्राइव कर रहे हो, किसी फ्रेंड की है, या आप फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, तो मर्सिडीज़ का गियर आपको आपके इंडिकेटर जो आपके चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी मिलेगा। आपका जो बताना चाहूँगा, मॉल्स वगैरह में हर जगह जाते हैं तो आपको बूट ओपन करना पड़ता है बाहर उतर के, यहाँ पे आपको नहीं उतरना है कार से आपकी, आप यहीं से बूट ओपन कर सकते हैं, पुल करके डाउन करके आप यहीं से क्लोज भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूनिक फीचर एंड देन दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल फॉर जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। एंड आप देखते हो कि आपको बहुत सारे मतलब लाइक कुछ फीचर्स पता नहीं होते, तो एक बहुत छोटा फीचर और बताऊंगा, ऑटो होल्ड। ये ऑटो होल्ड फीचर क्या करता है आपका, जब आप ट्रैफिक पे होते हो और आप ड्राइव मोड पे होते हो, आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कार का ब्रेक प्रेस करेंगे, कार अपने आप साइलेंट मोड में चली जाएगी, इंजन स्विच ऑफ हो जाएगा, एंड देन अगेन जब आप ट्रैफिक क्लियर होता है आप एक्सीलेट करोगे तो कार ऑटोमेटिकली मूव करेगी। हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप जब भी ड्राइव करें सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी ही एक गलती सामने वाले के लिए भी भारी पड़ सकती है, तो आप सब लोग प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर पहने। थोड़ा सा हेजिटेशन स्टार्टिंग में होगा अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको कम्फर्टेबल भी फील होगा और अच्छा भी लगेगा, एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छी फीलिंग आएगी ड्राइविंग की। एंड मर्सिडीज़ की सीट बेल्ट के बारे में बताऊँगा, इसमें सेंसर्स होते हैं आपके शेप के अकॉर्डिंग, बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग ये सेंसर्स आपको सीट बेल्ट उसी हिसाब से हक कर लेते हैं, तो आपके पोस्चर के हिसाब से ये बेल्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। सो आप देख सकते हो अभी टाइम जो हुआ है 12:17 हुआ है, दैट मीन्स कि दोपहर का टाइम है। अभी हम कंफर्ट सेटिंग्स में जाते हैं और एम्बियंट कलर में जा करके कलर सेट करते हैं। मल्टी कलर्स भी ऑप्शन है और ये शॉर्टकट्स ऑप्शन है आपके पास। मल्टी कलर्स में जाऊंगा और इस कलर को मैं ब्लू कर दूंगा। ये आपका एम्बियंस कलर है, आपको जैसा कि बताया था दोपहर का टाइम है, उसके बाद भी अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि लाइट्स दिख रही हैं यहाँ पे, ये पूरी कार का एम्बियंस है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में 64 कलर्स ऑप्शन है लाइट्स के, आपको एक क्लब जैसा फील आएगा कार में। और इसकी जो डायनामिक ये लाइट्स हैं आपकी अमेजिंग, जो कार के इंटीरियर को और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है।
क्वाइट इम्प्रेसिव। सो आप देख सकते हो मेरी हाइट जो है 5.8 है, उसके बावजूद हेडरेस्ट भी काफ़ी मतलब लाइक अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, जो कि मोस्टली एसयूवीज में नहीं मिलता, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहती हैं। आप लॉन्ग व्हील बेस कार है मर्सिडीज़ की ये, और इंडिया की सबसे पहली लॉन्ग व्हील बेस एसयूवी भी कहूँगा। लॉन्ग व्हील बेस का बेनिफिट क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। रेयर में जो स्पेस मिलता है वो बहुत ही प्यारा मिलता है। लाइक अगर आप कभी लॉन्ग जर्नी और लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो तो आप देख सकते हो मैं कितना कंफर्टेबली इस कार में बैठा हुआ हूँ। तो ये कार कम सोफा ज़्यादा है, आपका कंफर्ट लेवल बहुत हाई कर देती है। सो आप देखते हो सन ब्लाइंड्स बहुत सारी कार्स में मैनुअल होती हैं, आपको पुल करके यहाँ करना होता है, बट यहाँ पे मर्सिडीज ने बहुत अच्छा यूनिक फीचर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है। क्वाइट इम्प्रेसिव। इस कार में आपको पीछे 4 जोन एसी मिल जाता है, मतलब 2 आगे होते हैं 2 पीछे होते हैं, पूरी कार में 4 जोन एसी मिलता है थर्मोट्रॉनिक, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है, अंदर फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड करता है। एंड ये डिजिटल डिस्प्ले मीटर है, आप अपने हिसाब से टेम्परेचर एंड देन फैन ऑपरेट कर सकते हैं, और विंड्स अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं, ये इंडिविजुअली सेपरेट। 4 जोन एसी जो इंडिविजुअल आपको ऑपरेटर्स होते हैं उससे बेनिफिट जो होता है, जब फेस पे एयर पड़ती है तो काफ़ी लगता है कि लाइक एक फ्रेश फील देता है। सो आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास जो अभी है ये पुराना वेरिएंट है, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव मॉडल है, नए मॉडल्स आ चुके हैं। उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, काफ़ी यूनिक डिफरेंसेस किए हैं उन्होंने। 360 डिग्री कैमरा कर दिया है, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी। और यहाँ पर आपका एक सीट्स को GLS में आपने देखा होगा फंक्शन ऑपरेट दे दिया है, कि जिससे आप सीट्स ऑपरेट कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, मूव कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, एंड म्यूज़िक सिस्टम ऐड किया है, बमोस्टर म्यूज़िक सिस्टम। तो ये चार पांच चीज़ें, यूनिक चीज़ें ऐड करी हैं इसमें, और इसमें 5 लाख रुपए प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ भी किया है। तो अभी GLS फुल पैकेज कार हो चुकी है, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसकी टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं, बाकी फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, हम भी देखते हैं ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो एज यूजुअल, ओह गॉड, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका गियर लीवर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिसने मर्सिडीज़ नहीं चलाई, मैंने तो चलाई थी, बट मैंने आपके लिए ऐसा किया कि जिसको नहीं पता है। सो गियर लीवर आपका यहाँ पर है, इसको हमने ड्राइव मोड पर डाला, अब हम चलते हैं अपने टारगेट की ओर, इसकी ड्राइव की ओर। कार चल चुकी है और हम निकल चुके हैं। ओह वाओ मैम, कार का पावर फील हो रहा है, काफ़ी पंची है। तो ये सीट बेल्ट का अलार्म है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वेयर द सीट बेल्ट। सो थैंक्स फॉर द कैमरामैन कि सीट बेल्ट बंद कर ली, बिकॉज इन कार्स की, ये हमारी सेफ्टी के लिए अच्छी है, क्योंकि इनका सीट बेल्ट अलार्म काफ़ी इरिटेटिंग होता है। जैसा कि बताया था, कार काफ़ी हैवी है, काफ़ी पावरफुल है, उसके बाद भी मुझे फील नहीं हो रहा है मैं इतनी हैवी कार चला रहा हूँ। और आप सबसे भी बोलूँगा, चला के ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी मानेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप भी चलाएं और आप भी इसका फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी तो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, आपका प्यार और आपकी राह की ज़रूरत है। बहुत मज़ा आ रहा है इस कार को चला करके, सीरियसली एक किंग वाला फील आता है जो रोड पे, रोड की प्रेजेंट सामने आप देख सकते हो, एक काफ़ी मस्कुलर फील आ रहा है। टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है, nice, it's quite impressive. And सबसे बेस्ट चीज़, जैसे इसको पुल कर रहा है तो ये पंच है ना, it was very very amazing. So friends, आप देख सकते हो हमने GLE 300D की ड्राइव ले ली है, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पूरा वीडियो मेरा देखा हो तो मेरी गलतियों को कमेंट सेक्शन में, और अगर अप्रिशिएट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करिए। थैंक यू।